तो गाइस हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े, प्याज, आलू, गोभी, मिर्च, बैंगन और पालक। तो गाइस हम दिखाते हैं आपको हमने बेसन में क्या क्या मिक्स किया है और कैसे पकोड़े तैयार किए जा रहे हैं। तो गाइस ये पकोड़ी का बेसन है जिसमें कि हमने सारी चीज़ें मिक्स कर ली है। इसमें हमने सारे मसाले डाले हैं और मसाले के साथ काफ़ी चीज़ें ऐड करी है जिससे कि पकौड़ा टेस्टी और स्वाद बने। तो चलिए दिखाते हैं आपको पकौड़े कैसे तलते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो गाइस हम आलू को धो रहे हैं। सबसे पहले जो पकौड़े बनेंगे वो बनेंगे हमारे आलू के। तो हमें सारी चीज़ों को अच्छे से धोना है। तो अब हम इसको कर रहे हैं अच्छे से मिक्स और मिक्स करने के बाद अब उतारेंगे हम पकोड़े। ये हमने मिक्स कर लिया और बेसन में जो हमें ऐड करने थे मसाले वो हमने कर चुके हैं। तो अब हम उतारेंगे पकोड़े। तो गाइस हमने पकोड़े तलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हम डाल रहे हैं सबसे पहले आलू के पकोड़े। तो इसके जो बेसन है वो थोड़ा सा गाढ़ा रखना है आपको जैसे कि आपका बेसन ख़राब ना हो। तो ये छोड़ने का तरीका है सबसे बेस्ट। आप देख रहे हो बेसन भी कोई ख़राब नहीं हो रहा है। सबसे पहले आलू के, फिर उसके बाद गोभी, फिर बैंगन, फिर हरी मिर्च, फिर प्याज, फिर पालक। तो गाइस आलू के हमारे तैयार ये पकौड़े निकल कर। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये आलू के पकौड़े तैयार है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पकौड़े। और गोभी के बाद जो बनाएंगे पकौड़े वो बनाएंगे हम हरी मिर्च मोटी वाली, उसके बाद बैंगन, उसके बाद प्याज, उसके बाद पालक और अपनी थोड़ी सी स्पीड जो है वो थोड़ी अच्छी रखना डालने की। अगर आप लेट करते हो डालने में तो पकौड़े कुछ कच्चे और कुछ जल्दबाजी में जल भी सकते हैं। तो हमारे गोभी के पकौड़े निकल के तैयार और अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद डालेंगे बैंगन। तो ये गोभी के पकौड़े तैयार। तो अब डाल रहे हैं हम हरी मिर्च। तो अब है बैंगन के पकोड़े प्याज हरी मिर्च के साथ साथ। तो इन दोनों पकौड़ों को निकालने के बाद बनेगा प्याज का पकौड़े, फिर उसके बाद पालक के। तो गाइस हम बनाने जा रहे हैं प्याज की पकौड़ी। तो प्याज को हमने डाल लिया, अब इसमें फेटेंगे और फेट कर फिर दिखाते हैं आपको प्याज की पकौड़ी। तो गाइस ये बना रहे हैं हम प्याज के पकौड़े। Thank you.
हम बनाने जा रहे हैं पालक के पकोड़े। तो ये हमारे पालक के पकोड़े बनकर तैयार। तो गाइस कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। तो गाइस बताना कैसी लगी आपको वीडियो, पकोड़े कैसे लगे आपको सारे, कमेंट ज़रूर करना। ओके गाइस, बाय बाय।